दोस्तों आपने ये बात तो जरूर सुनी होगी कि जब जब धर्म की हानि होगी तब तब भगवान अवतार लेंगे, और इस बात से आप भी सहमत होंगे कि आज लोगों का स्तर जितना नीचे गिर गया है और जितना पाप आज के समय में समाज में है उतना पाप रावण के समय में भी नहीं था, तो इससे ज्यादा धर्म की हानि हो ही नहीं सकती। तो भगवान अवतार क्यों नहीं ले रहे हैं, और क्या भगवान सच में अवतार लेंगे, और अगर लेंगे तो कब लेंगे, बताते हैं आपको। तब तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए श्रीमद् भागवत पुराण के 12वें स्कंद में लिखा हुआ है कि भगवान विष्णु का 10वां अवतार कल्कि अवतार कलयुग के अंत और सतयुग के संधि काल में होगा, और कलयुग के अंत होने में अभी 4,00,000 साल से भी ज्यादा बचे हुए हैं। संभल गाँव के विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के पुत्र के रूप में भगवान कल्कि अवतार लेंगे, और ये एक देवदत्त नाम के घोड़े पे सवार होकर सभी पापियों और दुष्टों का संहार करेंगे, और उसके बाद फिर से सतयुग की शुरुआत होगी, और इनकी माता का नाम सुमति होगा, और इनके गुरु स्वयं चिरंजीवी भगवान परशुराम होंगे, और कल्कि भगवान की 2 पत्नियां होंगी, लक्ष्मी रूपी पद्मा और वैष्णवी रूपी रमा।